Hello friends, again every day we are discussing important topic and this is also a very very important topic. Like हम defer करें, refund लें, क्या करें अगर हमारा result pending है. So first of all तो मैं students को guide करना चाहूँगा कि please जो आपको emails आ रही हैं अपने college की तरफ से उनको बहुत carefully पढ़ें. उनके अंदर defer refund date बहुत clearly mentioned होगी. बहुत सारे कॉलेजेस की डेफर और रिफंड डेट निकल चुकी है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉलेज की 8 अगस्त थी, अल्कोमा यूनिवर्सिटी की 5 अगस्त थी, नायग्रा कॉलेज टोरंटो की 4 जुलाई थी, नायग्रा कॉलेज की भी 10 अगस्त होने वाली है. सो काफ़ी सारे कॉलेजेस की जो डेफर और रिफंड डेट है दैट इज़ पास्ड ऑन, खास करके अल्बर्टा के कॉलेजेस की डेफर और रिफंड डेट निकल चुकी है. सो स्टूडेंट्स, ये ईमेल्स जो आपके ईमेल आईडी पे आती हैं वो तभी आएंगी जब आपने ऑफर लेटर अप्लाई करते हुए ये ईमेल आईडी मेंशन किया होगा. अगर आपने वो ईमेल आईडी नहीं मेंशन किया है तो वो ईमेल आपकी ईमेल आईडी पे नहीं आएगी. वो जो आपके कंसल्टेंट कई बार क्रिएट कर देते हैं उस ईमेल आईडी पे आपकी ऑफर लेटर या डिटेल्स जाती रहती हैं. सेकेंडली, सपोज आपके कॉलेज की डेफर या रिफंड डेट जैसे नॉर्दर्न कॉलेज की है 20th September, सो उस केस में आपके पास टाइम है 20th September का डेफर डालने के लिए या रिफंड डालने के लिए. सो स्टूडेंट्स, अगर आपका वीज़ा सपोज अगस्त में आ जाता है देन यू कैन गेट पासपोर्ट स्टैम्पिंग डन इन 10 to 12 days. एंड जब आप 10-12 दिन में अपनी पासपोर्ट स्टैम्पिंग करवा लेंगे उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हैं इमीडिएटली कनाडा के लिए. बट सपोज़ आपका वीज़ा अगस्त में नहीं आता है या 5th September तक भी नहीं आता है और आप इस इनटेक से डेफर करते हैं और हो क्या रहा है कि नेक्स्ट इनटेक्स आर नॉट अवेलेबल इन योर कॉलेजेस. यही हो रहा है कि अगले इनटेक में आपके कॉलेज में सीट नहीं है. सो कई बार स्टूडेंट्स मई 23 में डेफर हो रहे हैं, कई बार स्टूडेंट्स सितंबर 23 में डेफर हो रहे हैं. बट स्टूडेंट्स, जब आप डेफर होते हैं तो उसके बाद आप इतनी देर वेट नहीं करना चाहते, आप 1 साल की वेट नहीं करना चाहते, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर रिफंड और प्रोग्राम चेंज. सो आपके पास एक ऑप्शन रहेगी, या तो आप जनवरी में कॉलेज को रिक्वेस्ट करें कि आपके पास कौन सा प्रोग्राम है तो आप प्रोग्राम चेंज कर लें, नहीं तो आप अपना रिफंड डाल दें विद कॉलेज. जो कॉलेजेस के पास प्रोग्राम नहीं होगा, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे विल रिफंड 100% ऑफ द फीस एंड देन यू कैन अप्लाई इन अ न्यू कॉलेज. सो दिस इज़ द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं, तो आपको हम प्रॉपरली गाइड करेंगे. सो कॉलेज चेंज कॉस्टली अफेयर तो है, बट अगर हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं है. सो सुरेंद्र जी, अगर सपोज बच्चे को सितंबर 23 का इनटेक मिल रहा है, मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा 1 साल बाद टेफर लेगा. सो अगर हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं है तो कॉलेज चेंज की ही ऑप्शन बचती है. और अगर तो अगर प्रोग्राम चेंज कर लेते हैं, सो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बच्चों को यही दी है कि आप प्रोग्राम चेंज कर लें, मिलता जुलता प्रोग्राम ले लें एंड देन यू कैन यू नो कैरी ऑन विद द सिमिलर कॉलेज ओनली. बट अगर आपके पास प्रोग्राम ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आपको कॉलेज ही चेंज करना पड़ेगा. सो आई विल एडवाइज यू कि लुक इन टू इट कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, जिस एजेंट से आपने अप्लाई किया है उनकी एडवाइस लें और जो आपके ईमेल आईडीज पे इंफॉर्मेशन आ रही है उनको ज़रूर प्रॉपरली पढ़ें. थैंक यू सो मच.